गाय इज एम साक्षी पावा एंड वेलकम टू माई चैनल नॉलेज कलॉर सो दिस इज योर एरर डिटेक्शन सीरीज जो आई बी पी एस क्लर्क में आपको बहुत हेल्प करने वाली है इनफैक्ट आगे आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स में ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी सो सारे के सारे पाथ जरूर देख लेना बिकॉज टू हंड्रेड प्लस क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं सो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करेंगे सो uh, so, uh, पिछली क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत अब्रप्टली एंड हो गया था तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को लूंगी फिर आज के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी दूसरी चीज़ है कि कमेंट सेक्शन में आफ्टर वाचिंग द वीडियो प्लीज़ टेल मी योर स्कोर्स कि आपके कितने स्कोर्स हैं सो so, दस में से कितने स्कोर हैं आपको uh, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना जैसे ही मैं क्वेश्चन लगाऊं आपको खुद वीडियो को पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है मैं आपको अगर टाइम दूंगी तो वीडियो का जो टाइम है ओवरऑल टाइम वो अननेसेसरली लंबा हो जाता है ठीक है सो विद दीज इंस्ट्रक्शन लेट्स बिगिन द क्लास एंड दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ये पिछले बार का ही क्वेश्चन है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही थी बट द वीडियो अब्रप्टली एंडेड ओके सो so, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं हम बोल रहे हैं कि पीपल शुडन ड्रॉप लेटर ऑन पेमें पेमेंट्स लोगों को Uh, कचरा जो है वो नहीं मचाना चाहिए पेवमेंट्स पर शुड दे अब ये एक क्वेश्चन टैग है ठीक है बेटा सो so, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन टैग्स आप लिखते हैं वो हमेशा आपके मेन सेंटेंस से ऑपोजिट होते हैं अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो नॉट लगा हुआ है ये नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होगा ठीक है तो ये बिल्कुल सही आंसर लिखा और आई मीन बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है इसमें कोई एरर नहीं था ठीक है चलिए आज के क्वेश्चंस बिगिन करते हैं पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर ऑल राइट सो जो आपका सेंटेंस है वो कह रहा है द डिसेप्टिवली सिंपल एक्ट ऑफ कैंपिंग बिसाइड द स्टार्स हैज मोर्फ्ड इन टू अ टूरिज्म ट्रेंड एट टाइम्स अक्वायरिंग अ लग्जरी कॉनोटेशन कॉनोटेशन का मतलब होता है मीनिंग ठीक है सो so, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि स्टार्स के बगल में कोई नहीं जा सकता बिसाइड का मतलब होता है बगल में ठीक है ओब्वियसली हम स्टार्स के बगल में कैंप नहीं कर सकते हम उनके अंडर कैंपिंग करते हैं ठीक है अब आप ये कहोगे कि मैम लोग तो कहाँ कहाँ स्पेस में चले गए हैं तो क्या वो स्टार्स के बगल में नहीं होते होंगे बट हम कैंपिंग की बात कर रहे हैं कैंपिंग हम स्टार्स के नीचे करते हैं ठीक है ना सो so, यहाँ पर बिसाइड जो हमारा प्रपोजिशन है वो गलत है अंडर आएगा बाकी सेंटेंस का मीनिंग बता देती हूँ डिसेप्टिव का मतलब होता है जो आपको धोखा दे जो बात आपको धोखा दे सो so ये जो कैंपिंग होती है ना स्टार्स के नीचे अगर आपको पता नहीं है तो स्टार गेजिंग के लिए लोग जाते हैं कि मतलब कैंपिंग करते हैं रात में और सिर्फ स्टार्स को देखते हैं सो so ऑफकोर्स कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर स्टार्स बहुत विजिबल होते हैं जहाँ पर पोल्यूशन कम होता है ईजिली विजिबल होते हैं स्टार्स स्टार गेजिंग के लिए लोग जाते हैं कैंपिंग करते हैं रात में वहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि यू नो इट लुक्स सिंपल इट्स अ डिसेप्टिव डिसेप्टिवली सिंपल एक्ट मतलब लगता है कि सिंपल है बट वो इतना सिंपल नहीं है अंडर द स्टार्स लोग कैंपिंग करते हैं वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है मॉफ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इनटू अ टूरिज्म ट्रेंड अब तो वो ट्रेंड बन गया है लोग बिल्कुल स्टार गेजिंग करने जाते हैं एक्चुअली में और एट टाइम्स ये एक लग्जरी मीनिंग uh, भी इसका होता है कि चलो स्टार गेजिंग चलते हैं ऐसे ही कैंपिंग करने यू नो वाइल्ड लाइफ को देखने तो हर कोई जाता है स्टार गेजिंग करने चलते हैं तो ये एक लग्जरी मीनिंग लेकर आता है अपने साथ तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया कहीं पर भी एरर नहीं है सिर्फ बी में एरर है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू ऑल राइट सो The Royal Commission on Legal Services took a more fundamental view with regard of financial conditions. तो yahan pe bahut hi clear hamara error nazar aa raha hai option number B में क्योंकि with regard to होता है with regard to का मतलब होता है regarding ठीक है सो विद रिगार्ड टू होता है ना कि ऑफ सो विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल कंडीशन विच हेज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड सेंटर्स का मतलब क्या है कि ये जो रॉयल कमिशन ऑन लीगल सर्विसेज़ है ना इसने एक फंडामेंटल व्यू लिया है फंडामेंटल का मतलब क्या होता है एक यू नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नज़र में रखते हुए एक व्यू इस तरह का लिया है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कंडीशंस एंड ये जो इनका व्यू है ना ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है सो so, ये अडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने उसके लिए दी हुई है तो विच भी बिल्कुल सही है नेक्स्ट वन ऑल राइट इन द इवेंट द एंटिसिपेटेड कोलैप्स ऑफ द फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी अमेट अ पाइल ऑफ बैड डेथ्स डिड नॉट कम बाय सो आई होप कि आपने आंसर जो है वो उसका दे दिया होगा ओके okay. तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्योंकि हमें जो प्रपोजिशन चाहिए वो है कम अबाउट ठीक है मतलब प्रपोजिशन जो चाहिए वो है अबाउट बिकॉज कम अबाउट का मतलब होता है हैपन तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इन द इवेंट मतलब ये जो इवेंट पर्टिकुलर इवेंट जिस की वो बात कर रहे हैं उसमें हमें ऐसा लगा था कि ये जो फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी है ना वो कोलैप्स हो जाएगी एंटिसिपेट किया था हमने प्रिडिक्ट किया था कि कंपनी कोलैप्स हो जाएगी अमिट अ पाइल ऑफ बैड डेट्स मतलब एक बैड डेट्स का जो एन होते हैं ना जो लोन्स पे नहीं किए जाते वो बैड डेट्स होते हैं उसका पाइल दैट मीन्स इतने सारे एन हो गए हैं जिसकी वजह से हमको लगा था कि कंपनी कोलैप्स हो जाएगी दिस डिड नॉट कम अबाउट कम अबाउट का मतलब है ये चीज तो हुई ही नहीं ठीक है तो हमें ऐसा लगा था कि ऐसा हो जाएगा एंटिसिपेटेड था बट इवेंट में वो चीज हुई ही नहीं सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर जिसमें हम कम अबाउट लिखेंगे बाकी कम अबाय का सॉरी कम अबाय कह रही हूँ। कम बाय का मतलब होता है किसी चीज को अक्वायर करना जब आप किसी चीज को अक्वायर कर रहे होते हैं दैट इज वेन यू आर कमिंग बाय इट ठीक है नेक्स्ट वन ओके

टुगेदर विद का विद का अलोंग विद का अनलाइक का अनलाइक का मैंने आपको बोला था ना कि उसके साथ आपको ऐसे जब भी कनेक्टेड होता है तो आपको एक ब्रैकेट बनाना होता है एंड आप सोचते हैं कि इस, इसके बाद वाला पार्ट तो है ही नहीं सेंटेंस में तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अपना वर्ब हम देते हैं ठीक है थीके? इसी इसा, इसी तरीके से हम अपना प्रोनाउन भी फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही देते हैं ठीक है so सो यहां पर हमारा जो वर्ब है बेटा वो पास्ट टेंस में है इसीलिए उसमें सिंगुलर प्लूरल नजर नहीं आ रहा हमको पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता मेन वर्ब्स के केस में बट येस yes, यहाँ पर हमको दमसेल्स की जगह ऑफिसर के लिए हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा दैट्स द ओनली रूल सो मैंने कौन कौन से बोले विद अलोंग विथ टूगेदर विद एज वेल एज लाइक अनलाइक ये सारे के सारे ठीक है चलिए नेक्स्ट वन दिस हैपेंड जस्ट अगो सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि जस्ट exactly दोनों साथ में नहीं आ सकता आप या तो जस्ट फाइव ईयर्स अगो बोलिए या एग्जैक्टली फाइव ईयर्स अगो बोलिए दोनों रिडंडेंट हो रहा है मतलब दोनों साथ में आने से रिडंडेंट हो रहा है तो आप इसको uh, हटा सकते हैं एंड दिस है एंड इफेक्टिव सेकेंडरी रिसर्च रिक्वायर्स डेटा टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रीट सोर्सेज लाइक जर्नल्स मैगजीन्स एंड अदर पब्लिश मटीरियल्स सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब एक्चुअली में यहाँ पर आपको मैंने जब मैंने आपको वो कैब्स सिखाई थी नॉलेज कलौर पर जब क्लासेज ये वाली होती थी वो कैब की तो आपको मैंने ये दो वर्ड सिखाए थे इफ यू रिमेंबर ठीक है सो so एक्चुअली में हमको यहाँ पर ये वाला डिस्क्रीट चाहिए ना कि ये वाला ओके okay? दोनों में डिफरेंस क्या है मीनिंग का ये वाला जो डिस्क्रीट होता है ना इसका मतलब होता है डिस्टिंगट दैट मीन्स डिफरेंट काइंड का कोई भी चीज़ अलग प्रकार की मतलब अब जैसे यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज की हम बात करें ना जर्नल्स हो गए मैगजीन्स हो गए अदर पब्लिश मटीरियल हो गए तो डिस्टिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ठीक है अच्छा हमको एक्चुअली uh, में ये वाला चाहिए जो दिया हुआ है उसका मतलब पता है क्या है सी आर ई ई टी का मतलब इसका मतलब होता है जब हमको कॉशियस होना चाहिए किसी के सामने कुछ बोलने से पहले अगर कोई चीज़ सीक्रेट रखने वाली है तो कीप इट डिस्क्रीट दैट मीन्स यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक अगर आपने कुछ सीक्रेट रखना है बट आपने किसी के सामने वो बोल दिया यू आर नॉट बींग डिस्क्रीट ठीक है ना सो so, डिस्क्रीट का मतलब होता है सोच कर बोलना जो चीज छुपाने वाली है उसे छुपा लेना तो हमें ये वाला मीनिंग नहीं चाहिए था वहां पर ठीक है चलिए नेक्स्ट वन द एक्ट्स लॉन्ग हिस्ट्री ट्रेस बैक टू द जजमेंट इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ अप्रैल 2014 व्हिच डायरेक्टेड डिरेक्टेड द सेंटर एंड स्टेट टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन फॉर द थर्ड जेंडर हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्योंकि यहां पर हम हिस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं सो ट्रेसिस बैक होना चाहिए ना कि ट्रेस बैक सो so, इसका मतलब पता है क्या कि अगर किसी को यहाँ पर एरर नज़र आया है तो आपने एडिटोरियल में हमेशा देखा है ना हम हमेशा केसेस की बात करते हैं दिस वर्सेस दिस क्योंकि तो जब भी जुडिशरी अपना डिसीजन देती है वो पुराने केसेस के ऊपर हमको देती है मतलब पुराने केसेस से उन्होंने क्या जजमेंट दिया था उसको ध्यान में रखते हुए देती है सो so, ये बस वही है इसमें कोई एरर मत ढूंढना तो वो कह रहे हैं ये जो एक्ट है ना कोई भी पर्टिकुलर एक्ट की वो बात कर रहे होंगे अफकोर्स थर्ड जेंडर के लिए जो एक्ट है उसका जो लॉन्ग हिस्ट्री है ना मतलब इतने पुराने टाइम से वो चलता आ रहा है एक्ट इट ट्रेसेस बैक टू ट्रेस बैक का मतलब है कि उस टाइम से चलता आ रहा है अगर हम फाइंड uh, आउट करें उसके ओरिजिन तो हमें पता चलेगा कि जब नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का डिसीजन लिया गया था तब ये एक्ट यू नो पास किया गया था सो ट्रेसिस बैक हिस्ट्री क्योंकि अनकाउंटेबल होती है इसलिए उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा ठीक है अच्छा यहाँ पर विच बिल्कुल ठीक है सो so, एरर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट आपने अगर कुछ और एरर बनाया तो वो एक्सप्लेन कर रही करी विच यहाँ पर ऑब्वियसली हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है सो विच डायरेक्टेड द सेंटर एंड द स्टेट स्टेट टू ग्रांट लीगल रेकग्निशन ठीक है थर्ड जेंडर के लिए थर्ड जेंडर के लिए लीगल रेकग्निशन देने की बात हो रही है अब मे भी आपको लग सकता है कि मैम ग्रांट टू होगा ना यहाँ पर क्योंकि तो हम थर्ड जेंडर को ही तो दे रहे हैं हाँ अगर हम थर्ड जेंडर से ही बात कर रहे होते तब यू आर ग्रांटिंग टू देम ठीक है ना बट हम यहाँ पर थर्ड जेंडर से बात नहीं कर रहे हैं यू you नो know, हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए किसी के हक के लिए जब लड़ा जा रहा है तो उसके लिए फिर फॉर ही आएगा उसमें टू नहीं आएगा तो आई जस्ट डायसेक्टेड द इंटायर क्वेश्चन फॉर यू ठीक है चलिए नेक्स्ट वन इंडिया कैनोट मिस डाउट ऑन बीग अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन दिस कैन हैपन ओनली इफ टैरिफ बैरियर आर रिड्यूस्ड अब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अब यहाँ पर मिस्ड नहीं हो सकता मिस होगा क्योंकि कैनॉट है तो मॉडल ही ना तो मॉडल के बाद तो वी वन आता है ये बात तो हम रट चुके हैं है ना सो so मॉडल के बाद वी वन आता है और ध्यान रखेगा वो भी हमेशा विदाउट एस ठीक है इनफैक्ट आपके सेंटेंस में भी एविडेंस है हमारे पास सो so, यहां पर मिस्ड कैसे हो सकता है मिस आउट ही होगा सो so, भाई इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेगी ही बनेगी और ये आ, तभी हो सकता है जब टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस किए जाए ठीक है तो आर के बाद यहां पर थ्री लगा है क्योंकि वो पैसिव वॉइस है क्योंकि रिड्यूस भाई कोई करेगा ना टैरिफ बैरियर को चलिए देन नेक्स्ट वन ओके Economic laws typically aims at balancing competing interests of various uh, stakeholders, as well as interests uh, of government departments charged with implementing such laws. So, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे as well से connected है, but यहाँ पर इसके बाद ऐसा कोई verb नहीं है जिसको मैं singular बनाने की कोशिश करूँगी, so ये वो वाला rule नहीं है। यहाँ पे बहुत clearly हमको एक error नजर आ रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से ये जो वर्ब है वो इसके लिए लगा हुआ है लॉज के लिए एंड लॉज प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए ध्यान रखिएगा अगर आपके वर्ब में एस नहीं लगा है तभी वो प्लूरल है ठीक है जी नेक्स्ट वन कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफर प्रॉब्लम्स एंड अर्ली रिप्लाई हैज एक्सपेक्टेड ओके सो द करेक्ट आंसर इज सी क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है देखिए हैज एक्सपेक्टेड से पता है क्या मतलब हो रहा है ये एक्टिव वॉइस में आपने लिख दिया है ये नहीं है कि मैम हैज़ प्लस वी थ्री तो होता है हैज प्लस वी थ्री तो लगा हुआ है बट क्या वो आपको ये बताना है कि अर्ली रिप्लाई खुद एक्सपेक्ट कर रहा है क्या अर्ली रिप्लाई कोई इंसान है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है किसी से कुछ एक्टिव वॉइस नहीं लिखना है ना हमको वहां पर हमको पैसिव वॉइस लिखना है तो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में ध्यान रखिएगा टू बी फॉर्म के जो वर्ब्स होते हैं ना वी थ्री, थ्री केस में आता है तो आपको के साथ v3 कब नजर आएगा पैसिव वॉइस में तो यहाँ पर रिप्लाई एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना इसीलिए हमने एक टू बी वर्ब लिया इज क्योंकि रिप्लाई तो सिंगुलर है और एक्सपेक्टेड वी थ्री है ठीक है सो ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स का मतलब है गंभीरता प्रॉब्लम्स की गंभीरता को कंसिडर करते हुए एक अर्ली रिप्लाई एक्सपेक्टेड है